हे डियर ऑल, वेलकम बैक। हाउ आर यू टुडे? बहुत देर से मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, बार बार जो है वो डिसकनेक्ट होता जा रहा है। और यस, दिस इज अ फर्स्ट पोयम। आज पहली पोयम हम करने जा रहे हैं और सारे बच्चे भी आज आ गए हैं, मतलब अभी तक नहीं आए थे इतने स्टूडेंट्स, आज आ गए हैं लगभग सारे। सो आज मैं सुबह से नेटवर्क प्रॉब्लम झेल रही हूँ, आज वाईफाई का कनेक्शन ही आज उड़ गया था। हाँ, भारतीपुरा करा दूंगी, भारतीपुरा करा दूंगी, अभी नहीं कराया मैंने। हाँ, भारतीपुरा के बारे में बात कर लेंगे। नहीं, मुझे लगा कि द ग्रैंड मदर के बारे में आज बात कर लेते हैं, लेकिन आज आज लगता नहीं है बात हो पाएगी। बार बार नेटवर्क अपने आप जो है उड़ जा रहा है, अपने आप आ रहा है। सो चलो, जितनी बात होती है उतनी बात करते हैं, जब तक हमारा मतलब क्लास चलता है तब तक ले लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे, नहीं होगा तो नहीं। हाँ, तो इसकी थोड़ी सी बात करें क्या? वैसे ऐसा होता था कि जैसे अभी बीच में थोड़ी देर तक सही रहा था नेटवर्क, फिर मैंने कॉल किया तो पता चला कि अभी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम और होगी, तो इसलिए। तो ये रेयंग बेयर के उस पे है, मतलब ये जो पोइट्री है, ये पोइट्री भी लिखी थी मैंने। एक मिनट, मैं आपको दूसरा पेज ओपन करके देती हूँ, उसके बाद इस पे समरी पे बाद में आते हैं, पहले हम आपको। सो रेयंग बियर जो है वो अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन पोएट हैं। नेटिव अमेरिकन पोएट हैं और एक नॉवेलिस्ट हैं। एक मिनट, कमल दास की भी माई ग्रैंड मदर। सो उन्होंने जो लिखी है अपनी दादी माँ के ऊपर, जैसे उनकी दादी माँ है वैसे उन्होंने लिख दी। मतलब रेयम बियर जो है, 1950 की बात करें, नेटिव अमेरिकन पोएट एंड नॉवेलिस्ट ऑफ द मेस्कुआकी ट्राइब। ये एक मेस्कुआकी ट्राइब है नॉर्थ अमेरिका में। ग्रोइंग अप ऑन द मेस्कुआकी, आपने पूरा 9th 10th 11th 12th के सिलेबस को घोल के पी लिया होगा। मतलब बड़ा मजा आएगा जब आप कक्षा 9 कक्षा 10 कक्षा 11 कक्षा 12 को पूरा पढ़ोगे। ग्रोइंग अप द मेस्कुआकी ट्राइबल सेटलमेंट इन लोवा, ही वाज एनकरेज्ड टू लर्न इंग्लिश बाय हिज मैटरनल ग्रैंडमदर। मतलब वो एनकरेज किए गए इंग्लिश सीखने के लिए अपने मैटरनल ग्रैंडमदर द्वारा। और उन्होंने क्या किया, ही बिगैन टू ट्रांसलेट हिज पोएम्स इन टू दैट लैंग्वेज। और उन्होंने अपनी जो पोएम होती उनको उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना शुरू करा। अभी आपको मैं पोएम भी बताऊंगी, अब पोएम में क्या समझ आता है वो आप मुझे बताइए। हिज वर्क वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1968। ही ऑफन स्विचेज बिटवीन इंग्लिश एंड द मिसक्वाकी लैंग्वेज टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ मोर फुली इन द प्रेजेंट पोएम। सो वो कभी कभी स्विच करते थे इंग्लिश और मिसक्वाकी के बीच में, तो अपने अपने आप को प्रेजेंट पोएम को फुली एक्सप्रेस करने के लिए। सो द ग्रैंड मदर, ही ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर। द ग्रैंड मदर में वो अपने ग्रैंड मदर की पिक्चर ड्रॉ करते हैं, जो कि ऑल लविंग एंड ऑल इंस्पायरिंग है। शाबिस्टन कह रहे हैं अभी बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन आपको बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन आपने सोचो अभी तक बहुत कुछ पढ़ भी तो लिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है? तो पॉजिटिव अप्रोच की तरफ चलेंगे। हाँ, तो जो पोइट्री है वो इतनी लिखी हुई है। इफ आई वर टू सी हर शेप फ्रॉम अ माइल अवे, आई वुड नो सो क्विकली दैट इट वुड बी हर। अगर मैं देखूँ दूर से उनका शेप, दूर से अगर उनको देखूँ, मतलब मैं अपनी ग्रैंड मदर को देखूँ आते हुए, तो मैं पहचान जाऊंगा कि वो मेरी ग्रैंड मदर हैं। दैट इट वुड बी हर द पर्पज स्कार्फ, उनका पर्पल स्कार्फ होगा, प्लास्टिक शॉपिंग बैग होगा। इफ आई फेल्ट, अगर मैं महसूस करूँ, हैंड्स ऑन माई हेड, तो वो उनके हाथ जो है मेरे सर पे होंगे। आई वुड नो दैट
मैं जानूंगा दैट दोज वर हर हैंड्स, और मैं समझ जाऊंगा अगर वो कभी उन्होंने अपने हाथों को मेरे सर पे रखा, सो मैं समझ जाऊंगा ये उनके हाथ हैं. कैसे? वार्म एंड डैम. कैसे? वार्म एंड डैम विद द स्मेल ऑफ रूट्स, जड़ों की महक के साथ. विद द स्मेल ऑफ रूट, वार्म मतलब गर्म और गीले, रूट्स की महक के साथ. इफ आई हर्ड अ वॉइस कमिंग फ्रॉम अ रॉक, अगर मैं सुनूं रॉक से आती हुई कोई आवाज, आई वुड नो दैट हर वर्ड्स, अगर दूर से आती हुई कोई मैं पत्थरों से आती हुई आवाज सुनूं तो मैं समझ जाऊंगा कि ये मेरी दादी माँ के वर्ड हैं. वुड फ्लो इनसाइड मी लाइक द लाइट, उनके वर्ड्स मेरे अंदर ऐसे घूमते हैं जैसे प्रकाश किसी स्टिरिंग एशेज का, किसी राख का, किसी जलती हुई राख का प्रकाश. फ्रॉम अ स्लीपिंग फायर एट नाइट, रात में सोती हुई कोई आग से जो निकलती है राख, उसका प्रकाश की तरह उनके शब्द मेरे अंदर घूमते रहेंगे. सो ये पोइट्री है. पोइट्री बचपन में जब मतलब व्हेन आई वाज लर्निंग द लिटरेचर, तो मुझे लगता था कि पोइट्री इट्सेल्फ इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, बिकॉज मेरे को इंग्लिश लिटरेचर, बिकॉज मेरे को पोइट्री कभी समझ ही नहीं आती थी. देन आई ग्रो अप, मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ा, देन आई गॉट टू नो वाओ पोइट्री इज अ ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज. ओके, सो यहाँ पे मैं आपको अब दूसरी स्क्रीन की तरफ लेकर के चलती हूँ, और दूसरी स्क्रीन पर ले चलने के साथ ही साथ मैं अपनी कैमरा ऑफ कर देती हूँ. आज जब नेटवर्क प्रॉब्लम है तो मैं कैमरा ऑन करके बैठी हूँ. ओके, सो इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें याद रखने वाली बातें क्या हैं वो हम थोड़ी सी देख लेते हैं. अबाउट द पोस्ट, दिस पोयम हैज़ बीन रिटन बाय रेयम बेयर. Ray Young Bear, who was born in 1950. Ray Young Bear comes from Meskwaki tribe of North America. He grew up in Meskwaki tribe settlement in Iowa. ये questions आ सकते हैं कि वो बड़े हुए tribe settlement Iowa में. He first started to write in Meskwaki. उन्होंने Meskwaki में लिखना शुरू किया. Tribal language है एक. और उसके बाद में उन्हें English में लिखना शुरू किया. He was encouraged by his maternal grandmother to learn English. उन्होंने वो अपनी grandma मतलब नानी के द्वारा, नानी ने उनको एनकरेज किया कि वो अपना जो है इंग्लिश सीखें. शायद द अफेक्शन एंड लव इज ग्रैंडफादर इंस्पायर्ड हिम, हो सकता है नानी का प्यार और अफेक्शन हो जो उन्हें इंस्पायर करता हो. ही ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर, उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर की पिक्चर मतलब पूरी बना डाली है इसमें. हु वॉज ऑल लविंग एंड इंस्पायरिंग, वो जो पूरी तरह लविंग और इंस्पायरिंग था. ही नाइसली से इन द पोयम, वो पोयम में नाइसली से कहते हैं दैट ही कैन इवन हैव अ स्मेल ऑफ हिज ग्रैंड मदर एज ही इज इन द रूट ऑफ हिज फैमिली. वो मतलब ग्रैंड मदर को जो है उनकी स्मेल है उसके अंदर, क्योंकि वो फैमिली की रूट है. दिखाई दे रहा है? ओके, अब इसकी समरी आपको थोड़ी तो मैंने बताई दी है थोड़ा सा. हाँ चलो, प्रीतम एंड मिधावी एंड सेबेस्टियन, प्रीति प्रियंका, ग्रैंड मदर्स हाउस है. सो द पोयम, अब ये जो है ना पोयम जो लिखी गई है हैज बीन रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स एंड पेज ट्रिब्यूट एंड रेस्पेक्ट टू पोइट्स ग्रैंड मदर Who was so loving and caring. जो poem लिखी गई है ये blank verse है, और जो attribute देती है मतलब एक तरीके से श्रद्धा सुमन अर्पित करती है अपनी poet की जो grandmother है उनको. She was a source of inspiration to the poet, feels her presence all the time. In different lines he has drawn a vivid picture of his grandmother. Different lines में मतलब दूसरे शब्दों में कहें कि वो उसने अपने grandmother की एक vivid picture जो है वो ड्रॉ की है, एक बेहतरीन पिक्चर ड्रॉ की है. द पोइट सेज दैट ही कैन रिकॉग्नाइज द शेप ऑफ हिज ग्रैंड मदर, वो अपनी ग्रैंड मदर के शेप को रिकॉग्नाइज कर सकता है. फ्रॉम इवन अ माइल अवे व्हाइल गोइंग टू द मार्केट शी वुड बी पर्पल स्कार्फ, इन पर्पल स्कार्फ, जब वो मार्केट जाती है तो पर्पल स्कार्फ पहनती है. प्लास्टिक बैग उनके हाथ में होता है. ऑफ हिज ग्रैंड मदर पुट्स हर हैंड ऑन हिज हेड, और उनकी माँ जो है अपना हाथ उनके सर पे रखती है. और उनसे ये बिल्कुल भी गलती नहीं होती है कि वो उन्हीं की ग्रैंड माँ के हाथ हैं जिनमें प्यार भी है और गर्माहट भी. The hand of grandmothers on my head takes me to the root of my family, say to the poet. गहरी बात है, वो कहते हैं जब वो हाथ रखते हैं तो मुझे महसूस होती है मेरी फैमिली की जड़ें उनके हाथों में. Now again the poet has a deft feeling of the voice of
उसके बाद बताते हैं कि मेरी ग्रैंडमा की वॉइस जो है उससे मुझे काफ़ी अटैचमेंट है, इट फ्लोज इनसाइड माय हार्ट, ये मेरे दिल के अंदर प्रवाहित होती है लाइक अ लाइट किंडल्ड बाय समवन, जैसे कहीं पे प्रकाश जलाया गया हो, धीमी आग हो और उसमें बहुत ज़्यादा प्यार है। इफ़ समवन स्टिर्स द स्लीपिंग फायर, अब कोई सोती हुई आग को अगर स्टिर करता है, चलाता है, जगाता है, इट गिव्स अ ग्लो फ्रॉम इनसाइड, ये ग्लो अंदर से देती है, अंदर से चमक रही होती है। द फीलिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रैंड मदर अवेकन्स हिज स्लीपिंग मेमरीज, जो ग्रैंड मदर की प्रेजेंस की जो फीलिंग है उसकी सोती हुई मेमरीज को अवेकन यानी जगा देते हैं, एंड विचारों को भी सेम वे में। सो ये जो था, एक मिनट, मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए थे इसमें। कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए थे, मैं एक जो है आपको कराती हूँ अभी। क्या कह रहे हैं विक्की कुमार कह रहे हैं, व्हाट इज ब्लैंक, ब्लैंक वर्ड्स का मतलब पता क्या होता है? किसने, विशाल कह रहे हैं अनराइम्ड बट मीट, हाँ ब्लैंक वर्ड्स वो होता है जैसे जब आप कुछ भी बोलते हो तो जैसे उसका लास्ट का जो तुकांत होता है वो मिल नहीं पाता है, वो ब्लैंक वर्ड्स होती है, मतलब होती तो वर्स ही है, होती तो आपका पद ही है, बट उसको ब्लैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि लास्ट में आकर के मिलती नहीं है। जैसे यू कैन सी, अभी मैं आपको शेयर करती हूँ स्क्रीन, जैसे यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ब्लैंक वर्ड्स क्या कहते हैं, सही है, मैंने उस टाइम मैं बताना भूल गई। देखो क्या होता है कि जब भी आप, जैसे आप हो तो पोएट, लेकिन क्या करते हो आप, जो भी लिखते हो कभी कभी ब्लैंक वर्ड्स लिख देते हो, बहुत सारे लोग ब्लैंक वर्ड्स लिखते हैं, कविता लिखने का ये भी एक तरीका है, कुछ लोग होते हैं वो तुकान भिड़ा देते हैं, है ना, तो कुछ लोग होते हैं जो वर्ड्स के लास्ट में भिड़ा नहीं पाते हैं, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे लास्ट में जो वर्ड्स है ना, ये कोई भी भिड़े हुए नहीं है, इनमें तुकान नहीं है, तो इसीलिए इसको बोल देंगे कि ब्लैंक वर्ड्स, राइम्ड नहीं है, मतलब कुल मिला के जैसे इसने बोला ना अनराइम्ड, वो अनराइम्ड है, ठीक है, ऐसे ही लिखा करो पोइट्री। अब हम लोगों को कुछ आता नहीं है अगर, तो मतलब हम लोग को पता हो जाता है, हम लोगों की सारी वर्ड्स ब्लैंक वर्ड्स ही बनेंगी। ओके हाँ, तो क्वेश्चन थे इसमें, द स्पीकर सीज हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम 2 miles अवे, ठीक है, ये बताते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो अब इसमें क्या था, 2 miles अवे देखता था या फिर कैसे, मतलब कितना देखता था, मतलब क्या ये बता रहा है, ये सही है या गलत स्टेटमेंट। अच्छा इसके इसके मैं सारे हटा देती हूँ, एक मिनट, अभी तो आपको पता होगा, अभी तो सब में आंसर लिखा हुआ है, मैंने चेक नहीं किया कि इसमें सब में आंसर लिखा हुआ था। मैंने देखा नहीं, आप लोग बताएंगे अभी फॉल्स फॉल्स स्टेटमेंट्स में ट्रू ट्रू क्या है। सो कितनी दूर से देखता है, क्या है इसका, हाँ 1 mile अवे, और प्लास्टिक बैग, और वो तो ट्रू है। हाँ अब एक एक करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, द स्पीकर सीज हिज ग्रैंडमदर फ्रॉम 1 mile अवे, वो ये बोलता है, ठीक है, द ग्रैंडमदर स्कार्फ वाज पर्पल, ऐसे ही द शॉपिंग बैग, यस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हुआ नेटवर्क इशू फिर से, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्या, मतलब आर यू एबल टू सी द स्क्रीन, मेरी आवाज आ रही है पहले तो ये बताओ, फिर से नेटवर्क चला गया गाइस, मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन है, स्क्रीन है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, अरे अरे अचानक से क्या हुआ, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, बच्चे सारे गायब,
यार, अरे यार, मैं कहूँ पार्टिसिपेंट जीरो कैसे हैं? पार्टिसिपेंट से चले गए। चलो इसको जल्दी कर लेते हैं। आई एम रियली सॉरी, प्लीज आज मुझे माफ कर देना। ये नेटवर्क जो है मुझे एम्बेरेस कर रहा है। सो आज जो है ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मुझे लग रहा है। तो आज मैंने सोचा था कि ये जो पोइट्री वाला पार्ट है ना, इसमें दो तीन पोइट्री करवा दूंगी आपको, ठीक है? फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस अलग से ला करके करवा दूंगी। पोइट्री जो है ना काफी इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, तो दो तीन करा दूंगी। आपका आपका तो जल्दी, मतलब जो इसमें है ना पोइट्री छोटी छोटी है, फिर उसके बाद क्लास टेंथ वाले पे, क्लास टेंथ वाला शुरू करा दूंगी। कहाँ गया ये? हाँ चलो। व्हाट आर टू थिंग्स इन द फर्स्ट आई एट लाइंस व्हिच आर स्पीकर एसोसिएटेड विद हिज ग्रैंड मदर? व्हाट हेल्प्स द स्पीकर टू रिकॉग्नाइज हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम अ माइल? नेम टू आइडेंटिटी मार्क्स दैट पोएट हैड मेंशन इन द पोएम। अच्छा एक बात बताइए, अभी तक आपने जो पोएम पढ़ी इसका एक एक चीज रट गया होगा ना, एक एक चीज रट गई होगी ना? मुझे ऐसा लगता है, जैसे स्पीकर एंड द पोएट एसोसिएट हिज ग्रैंड मदर विद हर पर्पल स्कार्फ एंड हर बैग दैट इज मेड ऑफ प्लास्टिक। यही है ना, है ना? इन द पोएम द पोएट फील्स द टेंडर टच ऑफ हिज ग्रैंड मदर। इसका टच कैसा है? ओके, इसका टच कैसा है? अब इसके बारे में बता देती हूँ। द पोएट डिस्क्राइब्स टू अस दैट ग्रैंड मदर्स हैंड्स वर वार्म डैम्प एट हैंड द स्मेल्स ऑफ फ्रूट्स। ऑल दीज क्वालिटीज वर ऑल्सो इनेट क्वालिटीज, है ना? अंतर्निहित क्वालिटीज हैं जो नेचर में उनके पाए जाते हैं। नेचर हैपेंस टू हैव अ टेंडर एंड सूदिंग इम्पैक्ट। सिमिलरली हिज ग्रैंड मदर्स टच सीम्स टेंडर टू द पोएट। वो नेचर से उसको मतलब एक सिमिली बना देता है। फ्रॉम वेयर वॉज द वॉइस कमिंग? वगैरह वॉइस, द वॉइस वॉज कमिंग फ्रॉम द रॉक। वेयर डू द वर्ड्स ऑफ ग्रैंड मदर फ्लो इन द पोएट? द वर्ड्स ऑफ द पोएट्स ग्रैंड मदर फ्लो इन साइड और विद इन हिम। उनके जो वर्ड्स हैं उसके अंदर घूमते हैं एक तरीके से, राइट? द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग सजेस्ट द सोशल पोजिशन ऑफ द स्पीकर। इसका क्या मतलब है? द एसोसिएशन ऑफ द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग इंटेंड्स टू इंडिकेट दैट इवन दो द ग्रैंड मदर वॉजेंट अ पुअर कंडीशन बट शी वॉज नीदर टू वेल टू डू। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट दीज आर यूज्ड एज प्रॉप्स टू इंडिकेट द सोशल स्टेटस ऑफ द पोइट्स ग्रैंड मदर। शी बिलोंग टू अ मिडल क्लास फैमिली। ये बोलते हैं, ऐसा लगता है, मान लेते हैं। हाउ डज अ पोएट एक्सप्रेस द क्लॉस एंड इमोशनल रिलेशनशिप्स विद हिज ग्रैंड मदर? तो ये भी आपको पता है एट द बिगिनिंग। ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है। ये जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो ये बिल्कुल तभी यूज करी जाएगी जब आप अपना मतलब क्वेश्चन के आंसर्स कर रहे होंगे, तभी ये इन्फॉर्मेशन यूज में आएगी। उनकी ग्रैंड मदर जब माइल अवे थी, लेटर ऑन इन द पोयम ही एड्स ऑन डिटेल्स लाइक ही कैन फील हर हैंड्स ऑन हर हेड। ही रिमेम्बर्स इंटरेस्टिंग डिटेल्स अबाउट हर सच एज हर पर्पल स्कार्फ एंड हर प्लास्टिक शॉपिंग बैग। ही रिमेम्बर्स दैट हिज ग्रैंड मदर्स हैंड्स फेल्ट वार्म एंड स्मेल लाइक अ रोज। वही मतलब जो सारी चीजें आपने बताई वही लिखी हुई है, कुछ इसमें ऐसा है नहीं, ठीक है? अच्छा ये जो चीजें इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये भी वैसे ही हैं, तो इन पे हम क्वेश्चंस आपको करा देंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो है ना दूसरे टॉपिक को देख लेते हैं। दूसरा टॉपिक जो है ऑन इज ब्लाइंडनेस, उसको देख लेते हैं एक बार। प्रीति प्रियंका क्या कह रहे थे? उतना प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या पढ़े हैं, किस बारे में बात कर रहे थे? पोएट्री के बारे में। या तो एक काम करते हैं, कल ही शुरू करते हैं इसको, कल शुरू करते हैं। दो तीन टॉपिक्स आपके कल जो है पोएट्री के करवा दूंगी। आज थोड़ा सा इश्यू है तो आज रहने देते हैं, आज आप लोग मस्ती करो। आज जो जितना मैंने अभी जितने भी टॉपिक्स करा दिए उनको एक बार देख लेना, उन पर क्वेश्चन भी अभी कराऊंगी, एक टेस्ट आपका सरप्राइज टेस्ट में करा दूंगी और कल करा देती हूँ।
ओके गाइज, तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। आज स्टार्टिंग में किसी बच्चे ने मेरे बोला था, रितु ने, रितु बोले कि मैडम आज काफी दिनों से, रितु नारायण बोले कि मैडम आज काफी दिनों से आपकी क्लास नहीं ले पाई अच्छे से, आज आपकी क्लास अच्छे से लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है, आज आज मेरी क्लास अच्छे से लेना, और आज क्लास ही नहीं चली। मतलब मैं बोलना चाह रही थी, मैं बोल रही थी तो नेटवर्क काम ही रहा था तुम लोगों के पास, और माइक जो था मैं बार बार माइक को ऑन कर रही थी तो माइक ऑन ही नहीं हो रहा था, तो मैंने स्विच ऑफ करके ऑन किया दोबारा से एप्लीकेशन, तो माइक तो ऑन हो गया, तो फिर बार बार में नेटवर्क आ जा रहा है। तो कल हम आपको इसको करा देंगे, ठीक है? ओके गाइस, टेक केयर, मिलते हैं सुबह 12 बजे सारे के सारे। रितु नारायण यहीं पे है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।